हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका अपेक्स स्टडीज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सभी दोस्तों का स्वागत है। चलिए दोस्तों, अपन लोग अपनी क्लास को आगे करते हैं स्टार्ट। अब अपन लोग पढ़ेंगे क्या, भिंडी। भिंडी को आपको पता है अपन लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों, ओकरा। क्या बोलते हैं? ओकरा। इसे अपन लोग जनरली लेडी फिंगर के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले ये चीज देख लेते हैं, इसे किस नाम से जानते हैं अपन लोग, लेडी फिंगर, यानी कि औरत की अंगुलियों के नाम से भी इसको अपन लोग जानते हैं, किसको, भिंडी को। तो आपको ये बात अच्छे से याद रखनी है। अगर मैं आपको बताऊं लेडी फिंगर और क्या चीज़ है, तो आपको याद रखना है लेडी फिंगर है, यह एक केले की किस्म भी है, यानी कि केला, यानी कि बनाना की क्या होती है, किस्म होती है। किस्म होती है, और कैसी किस्म होती है, द्विगुणित किस्म होती है, जो अपनी बंची टॉप जो रोग होता है ना, उसके प्रति प्रतिरोधी होती है। अपन लोगों ने भिंडी स्टार्ट करने से पहले छोटी सी चीज़ देखी है, जनरली इसे अपन लोग और क्या बोलते हैं, किंग ऑफ वेजिटेबल, यानी कि सब्जियों की रानी, सब्जियों की रानी के नाम से किस जाना जाता है दोस्तों, ओकरा को। तो आपको ये भी बड़े अच्छे से याद रखना है, ठीक है दोस्तों। अब अपन लोग स्टार्ट करते हैं अपनी भिंडी को आगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं अपन लोग भिंडी। भिंडी के अंदर अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, चलो इसे ही कर देते हैं, इरेज कर देता हूं एक बार के लिए दोस्तों। देखिए सबसे पहले बात करते हैं इसकी बोटनिकल नेम। तो भिंडी का बोटनिकल नेम या फिर ओकरा का बोटनिकल नेम क्या होता है दोस्तों, एबल मोस्कस एस्कुलेंटस। एबल मोस्कस एस्कुलेंटस क्या होता है दोस्तों, इसका वनस्पति के नाम में होता है, आपको अच्छे से याद रखना है। अब अपन लोग आगे बात करें, इसकी फैमिली कौन सी होती है, यानी कि इसका कुल। तो भिंडी की फैमिली कौन सी होती है दोस्तों, इसका कुल होता है कौन सा, मालवेसी। कौन सा होता है, मालवेसी। मालवेसी कुल भिंडी का होता है। और अगर अपन लोग बात करें तो अपनी कपास होती है, यह भी मालवेसी से बिलोंग करती है। और अपना जूट था, यह पहले टीलियसी में माना जाता था, अब माना जाता है जो जूट है यह भी कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है। तो आपको याद रखना है कौन सी फैमिली से, मालवेसी फैमिली से। सब्जियों के अंतर्गत सर्वाधिक गुणसूत्र संख्या किस में पाई जाती है दोस्तों, तो भिंडी में पाई जाती है, कितनी, 130। भिंडी में गुणसूत्र संख्या कितनी होती है दोस्तों, 130, और इसमें बहुगुणिता पाई जाती है, एम्फीप्लोइडी, बहुगुणिता। तो आपको पूछे भिंडी में गुणसूत्र संख्या 130 और इसमें क्या होती है, बहुगुणिता होती है। अगर अपन लोग आगे बात करें भिंडी से संबंधित और, तो आपको याद रखना है इसका ओरिजिन प्लेस, इसका उत्पत्ति स्थान तो क्या होता है दोस्तों, अफ्रीका। क्या होता है, अफ्रीका। भिंडी का उत्पत्ति स्थान क्या होता है, अफ्रीका। अगर अपन लोग और देखें इसकी सामान्य जानकारियों में, तो आपको याद रखना है इसका फ्रूट टाइप, यानी कि इसका फल प्रकार क्या होता है, इसका फल प्रकार होता है दोस्तों क्या, कैप्सूल। क्या होता है, कैप्सूल। कैप्सूल ये एक मॉडिफाइड बेरी ही होता है। अब अपन लोग देखें कैप्सूल और किस किस में फल प्रकार होता है, तो आपको याद है अपना, एक तो अरंडी, दूसरा रतनजोत। अरंडी और रतनजोत दोनों के अंदर फल प्रकार क्या होता है दोस्तों, कैप्सूल होता है। और भिंडी आपको पता है फल वाली सब्जी है, इसमें एडिबल पार्ट क्या है अपना, एडिबल पार्ट है पूरा का पूरा फल। क्या होता है, पूरा का पूरा फल। ये आगे अपनी सामान्य जानकारी किससे संबंधित है, भिंडी से संबंधित। चलिए आगे देखते हैं। अगर आपको पूछे भिंडी जो होती है, अब देखेंगे क्या अपन लोग हैं, चलो सबसे पहले अन्य नाम दोबारा लिख लेते हैं, अन्य नाम। भिंडी के अन्य नाम कौन कौन से होते हैं, तो इसे किंग ऑफ वेजिटेबल, यानी कि सब्जियों की रानी, सब्जियों की रानी भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। और इसे क्या कहते हैं, लेडी फिंगर के नाम से भी जानते हैं। और अपन लोग बात करें इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों, ओकरा। तो ये तीनों के तीनों नाम आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। और वैसे लेडी फिंगर क्या होती है, मैं आपको एक बार याद रखने के लिए दोबारा से नोट डाउन कर देता हूँ। अगर अपन लोग बात करें लेडी फिंगर और क्या है, तो लेडी फिंगर और क्या है, एक किस्म है, और ये किस्म किसकी है, बनाना की। तो क्या है, केले की एक किस्म भी है। क्या है, किस्म भी है,
कौन है? लेडी फिंगर। तो ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है, लेडी फिंगर जो केले की किस्म है वो क्या है? द्विगुणित है, और वो बंची टॉप रोग जो होता है उसके प्रति प्रतिरोधी होती है। ये सारी की सारी बातें दोस्तों आपको अच्छे से याद रखनी है, ठीक है दोस्तों। अब अपन लोग बात करते हैं आगे इसकी सामान्य जानकारी की। सामान्य जानकारी देखो दोस्तों, भिंडी जो होती है ना उसमें चिपचिपाहट होती है। क्या होती है? चिपचिपाहट। तो आपको याद रखना है भिंडी में चिपचिपाहट। तो भिंडी में चिपचिपाहट किसकी वजह से होती है दोस्तों? ग्लूकोनिक अम्ल, ग्लूकोनिक अम्ल। और भिंडी में पाए जाने वाला तत्व दोस्तों तो वो होता है क्या? म्यूसीलेज। म्यूसीलेज नाम का तत्व किस में पाया जाता है दोस्तों? भिंडी में पाया जाता है। अब आपको याद रखना है जो भिंडी जो होती है ना, सामान्य जानकारी के अंदर है, तो भिंडी के जो बीज होते हैं ना उनको अपन लोग किसके लिए उपयोग करते हैं? कॉफ़ी पाउडर बनाने में। किस में? कॉफ़ी पाउडर बनाने में। भिंडी के बीजों को कॉफ़ी पाउडर बनाने में यूज में लिया जाता है। तो आपको ये बात भी अच्छे से याद रखनी है। और अगर अपन लोग देखें इसकी सामान्य जानकारी, तो आपको पता है भिंडी की जो जड़ें होती है ना, याद रखना ये चीज़ है, भिंडी की जड़ों का उपयोग गुड़ बनाते समय, यानी कि मोलासिस, गुड़ बनाते समय अशुद्धि दूर करने के लिए किया जाता है। अशुद्धि दूर करने हेतु करते हैं। तो आपको दोस्तों ये चीज़ अच्छे से याद रखनी है, भिंडी के जो जड़ें होते हैं ना उनको कूट करके अपन लोग जब गुड़ बनाते हैं ना तब काम में लेते हैं। जब अपन लोग भिंडी की जड़ों को कूट करके अपना जो मोलासिस होता है, गुड़ बना रहे होते हैं, वो जो लिक्विड होता है उसमें डालते हैं ना, उसमें जो गंदगी होती है ना दोस्तों, वो इसकी वजह से क्या हो जाती है? दूर हो जाती है। तो आपको ये बात अच्छे से याद रखनी है। दूसरी सामान्य जानकारी में आप याद रख सकते हो, भिंडी जो होती है क्या होती है? डे न्यूट्रल प्लांट होती है। क्या होती है? डीएनपी, यानी कि डे न्यूट्रल प्लांट होती है। तो इसमें दीप्तकालिता कैसी है दोस्तों? दीप्तकालिता है, इसमें दिवस निष्प्रभावी। अगर मैं बात करूं भिंडी में परागण, तो भिंडी में परागण कैसा होता है दोस्तों? इसमें होता है क्या? बहुधा पर परागण, यानी कि भिंडी के अंदर ओप्टन क्रॉस पोलिनेशन पाया जाता है दोस्तों। तो आपको ये सारी की सारी बातें भिंडी के अंदर अच्छे से याद रखनी है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। चलिए अब अपन लोग आगे बात करते हैं, भिंडी जो होती है ना इसमें कैल्शियम की अच्छी मात्रा पाई जाती है। सामान्य जानकारी में क्या? इसमें कैल्शियम पाया जाता है लगभग 66 mg प्रति 100 ग्राम। प्रति 100 ग्राम क्या पाया जाता है दोस्तों? इसमें कैल्शियम पाया जाता है। और वहीं पर अगर मैं बात करूं इसमें फाइबर की भी अच्छी मात्रा होती है, यानी कि रेशे की। इसमें फाइबर होता है दोस्तों कितना? 1.2% इसमें क्या पाया जाता है लगभग दोस्तों? फाइबर भिंडी के अंदर पाया जाता है। तो आप ये सारी की सारी बच्चों चीज़ों को नोट कर लो, ये अपनी क्या थी? भिंडी की सारी सामान्य जानकारियाँ। अगर अपन लोग बात करें जो अपनी भिंडी होती है इसके ऊपर रिसर्च सबसे पहले किसने की? तो एक वैज्ञानिक थे दोस्तों जिनका नाम है क्या? डॉक्टर हरभजन सिंह। क्या नाम है? डॉक्टर हरभजन सिंह, जो आगे जाकर पूसा सावनी किस्म बनाएंगे। आपको ये भी बताऊंगा मैं आगे कि भिंडी पर भारत में सर्वप्रथम शोध कार्य, या फिर अपन लोग लिख सकते हैं, इंग्लिश में लिख लेते हैं यार, रिसर्च किसने की? तो दोस्तों इसका आंसर क्या रहेगा आपका? डॉक्टर हरभजन सिंह, डॉक्टर हरभजन सिंह।
आपको ये बात अच्छे से याद रखनी है। भिंडी पर सर्वप्रथम शोध कार्य किसने किया था दोस्तों, तो वो किया था किसने, डॉक्टर हरभजन सिंह ने। और इन्होंने क्या किया था दोस्तों, एक किस्म विकसित की थी जिसका नाम था क्या दोस्तों, पूसा सावनी। किस्म का नाम क्या था दोस्तों, पूसा सावनी, जो अपनी पित्त सीरा मोजेक वायरस, येलो वेन मोजेक वायरस के प्रतिरोधी होती है। और इन्होंने क्या विकसित की थी, उन्होंने विकसित की थी दोस्तों पूसा सावनी नाम की किस्म, पूसा सावनी नामक किस्म विकसित की थी किसने, अपने डॉक्टर हरभजन सिंह ने। अब देखिए दोस्तों, अपन लोग आगे बात करते हैं भिंडी की, तो आपको याद रखना है विश्व में सर्वाधिक भिंडी उत्पादन कहाँ होता है दोस्तों, भारत में। विश्व में सर्वाधिक भिंडी उत्पादन, विश्व में सर्वाधिक भिंडी उत्पादन कहाँ होता है दोस्तों, तो कहाँ होता है, भारत में। ये चीज़ आपको अच्छे से याद रखनी है। अब देखते हैं अपन लोग जलवायु, क्या देखते हैं दोस्तों भिंडी के लिए जलवायु, तो आपको पता है फल वाली सब्जी है, तो जलवायु कौन सी, गर्म जलवायु। भिंडी के लिए कौन सी जलवायु उपयुक्त रहती है बच्चों, तो कौन सी जलवायु उपयुक्त रहेगी, गर्म जलवायु। आपको एक चीज़ और याद रखनी है, इसके लिए उपयुक्त तापमान पूछे आपको, क्या पूछे, टेम्परेचर। तो कितना होता है दोस्तों, तो इसके लिए होता है 25 से लेकर के 30 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, उपयुक्त तापमान होता है। इसके बाद अगर अपन लोग बात करें, कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है भिंडी के लिए कैसे दिनों की आवश्यकता होती है, किस तरह के दिनों की आवश्यकता होती है, तो आपको एक चीज याद रखनी है, इसके लिए लंबे गर्म, लंबे और गर्म व नम दिनों की आवश्यकता होती है, नम दिनों की आवश्यकता होती है। ये चीज़ भी दोस्तों आपको अच्छे से याद रखनी है, तो आप इसको भी नोट कर लीजिए। ये दी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये कहाँ आया हुआ था, जेट के अंदर आया हुआ ये क्वेश्चन है, आपको ये चीज़ याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो अपनी भिंडी होती है ना, भिंडी 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 में प्रथम पुष्पन, प्रथम पुष्पन या फिर फलन कब होता है दोस्तों, 45 डे आफ्टर सोविंग, यानी कि बुआई के 45 दिन बाद, कितने दिन बाद है, 45 के, तो आपको ये चीज अच्छे से याद है रखनी है। सब्जियों के अंतर्गत सर्वाधिक निर्यात किसका किया जाता है दोस्तों, तो वो किया जाता है किसका, प्याज का। आपको ये भी बात याद रखनी है, सब्जियों के अंतर्गत सर्वाधिक निर्यात करते हैं अपन लोग प्याज का, सर्वाधिक निर्यात किसका होता है, प्याज का। और प्याज के बाद दोस्तों किसका, भिंडी का, क्या होता है, सर्वाधिक निर्यात। निर्यात वाली सब्जियां, आपको ये चीज अच्छे से याद रखनी है। भारत में सर्वाधिक निर्यात कौन सी सब्जी का किया जाता है, प्याज का, उसके बाद भिंडी का। और जो भिंडी होती है ना दोस्तों, आपको याद रखना है निर्यात के लिए इसका आकार कितना होना चाहिए, निर्यात के लिए उपयुक्त आकार, देखिए आपको बहुत जगह कितना मिलेगा, 5 से लेकर के 8 सेंटीमीटर, और कहीं ना कहीं आपको 5 से 7.5 सेंटीमीटर भी मिलेगा, तो आपको ये दोनों की दोनों चीज़ें अच्छे से याद रखनी है। भिंडी में निर्यात के लिए भिंडी का आकार कितना होना चाहिए, 5 से लेकर के 8 सेंटीमीटर, या फिर 5 से लेकर के 7.5 सेंटीमीटर क्या होना चाहिए दोस्तों, इसका आकार होना चाहिए, तो आपको ये चीज़ भी याद रखनी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पता है आपको भिंडी के अंदर क्या क्वेश्चन बनता है, भिंडी की जो बीज दर है ना दोस्तों, वो आपको बड़ी बढ़िया से याद रखनी है, क्या चीज़ें, भिंडी की बीज दर, ये लीजिए अभी बीज दर, बात करते हैं किसकी, भिंडी के अंदर। तो भिंडी में दो तरह की किस्में होती है, एक तो होती है कौन सी, ग्रीष्मकालीन, ग्रीष्मकालीन,
एक बोल सकते हैं अपन लोग कौन सी, वर्षाकालीन, कौन सी, वर्षाकालीन। इन दोनों में आपको डिफरेंस करना अच्छे से आना चाहिए दोस्तों, किस किस में, एक तो ग्रीष्मकालीन में और दूसरा वर्षाकालीन में। देखिएगा कैसे, आपको एक बात बताता हूँ मैं, वर्षाकालीन ऋतु कौन सी होती है अपनी, तो आप लोग बोलोगे मैं अधिकतर खरीफ ऋतु। कौन सी होती है, खरीफ ऋतु। तो अपने को पता लगी एक बात, वर्षाकालीन या फिर खरीफ ऋतु एक ही है, और खरीफ ऋतु या फिर वर्षाकालीन में बुआई कब होती है दोस्तों, जून जुलाई। कब होती है, जून और जुलाई। ठीक है दोस्तों, आपको पूछे जून जुलाई में भिंडी की बुआई के लिए, या फिर खरीफ ऋतु में भिंडी की बुआई के लिए, या फिर वर्षाकालीन भिंडी की बुआई के लिए बीज दर कितनी होती है, तो होती है 8 से लेकर के 10 किलो प्रति हेक्टेयर, 8 से लेकर के 10 किलो प्रति हेक्टेयर। अगर मैं बात करूं ग्रीष्मकालीन, ग्रीष्मकालीन किस ऋतु को बोलते हैं दोस्तों, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ये याद रखना, किस ऋतु को बोलते हैं, जायद ऋतु को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, जायद ऋतु को। और इसमें जनरली बुआई कब होती है दोस्तों, फरवरी मार्च। कब होती है, फेब मार्च के अंदर। कब होती है दोस्तों, फरवरी और मार्च के अंदर। अब आपको याद रखना है, तो ग्रीष्मकालीन होती है, इसकी बीज एनसीईआरटी में दे रखी है 12 से 15 किलो प्रति हेक्टेयर। कहाँ दे रखी है दोस्तों, ये एनसीईआरटी, या फिर बोल सकते हैं आपकी 12th RBSC एग्रीकल्चर बुक के अंदर क्या दे रखी है दोस्तों, आपकी 12 से 15 किलो दे रखी है। लेकिन आपको हमेशा याद रखना है, बहुत कम चांस है आपको 12 से 15 किलो मिले, वहाँ पर हमेशा मिलता है कितना, 18 से लेकर के 20 किलो प्रति हेक्टेयर। तो आंसर क्या रहेगा सदैव, 18 से लेकर के 20 किलो प्रति हेक्टेयर क्या होती है, ग्रीष्मकालीन भिंडी की बीज दर होती है। आपके सामने दोनों के दोनों बीज दर हैं, इनको याद रखना है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों अपना क्या, उन्नत किस्में। क्या आती है, उन्नत किस्में, इसकी वेराइटियाँ भाई, उन्नत की जगह प्रमुख भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रमुख किस्में। चलिए अभी बात करते हैं भिंडी की प्रमुख किस्मों की, और सबसे पहली किस्म है कौन सी, पूसा सावनी। ये बहुत प्रसिद्ध किस्म है इसकी, कौन सी, पूसा सावनी, पूसा सावनी। अब देखिए दोस्तों, तो ये इसकी पूसा सावनी किस्म है ना, इसकी खास बात क्या है, ये प्रसिद्ध किस्म है, ये पूसा मखमली और IC 1552, पूसा मखमली और किसका क्रॉस है, ये है IC 1552, किस किस का, IC 1552 का क्या है दोस्तों, ये है क्रॉस है। तो आपको पूछेगा भिंडी की प्रसिद्ध किस्म पूसा सावनी किस किस का क्रॉस है, तो पूसा मखमली और IC 1552। और दो नंबर पे किस्म आती है तुम्हारी, कौन सी, पूसा मखमली, कौन सी आ जाती है, पूसा मखमली। पूसा मखमली की खास बात क्या है दोस्तों, तो याद रखना है यह प्योर लाइन सिलेक्शन से विकसित है, यानी कि यह है शुद्ध वंशक्रम विधि से विकसित है, शुद्ध वंशक्रम विधि से विकसित है। आपको ये चीज़ अच्छे से भिंडी के अंदर याद है रखनी है। इसके बाद अगर अपन लोग नेक्स्ट बात करें, तो इसकी एक वैरायटी आती है जिसका नाम होता है पूसा A4। तीन नंबर पे कौन सी आती है, पूसा A4। अब देखिए अपन लोग बात करते हैं पूसा A4 की क्या खास बात होती है, यह जनरली जैसिड तना छेदक, तना व फल छेदक दोनों के प्रति क्या होती है दोस्तों, यह है प्रतिरोधी, यानी रेजिडेंस वैरायटी है, ये क्या होती है, प्रतिरोधी किस्म होती है। आपको ये चीज़ भी अच्छे से याद रखनी है। इसके बाद अगर अपन लोग बात करें आगे, इसकी किस्म आती है जिसका नाम है MDU first, ये अपनी तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से विकसित है, कहाँ से, TNAU तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से विकसित है। और ये किस विधि से विकसित की गई है, ये म्यूटेंट यानी कि उत्परिवर्तन द्वारा, तो बोल सकते हैं यह है भिंडी की उत्परिवर्तित
ये भिंडी की उत्परिवर्तित किस्म है, तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट किस्म थी इसकी। चलिए अभी अपन लोग आगे देखते हैं नेक्स्ट किस्मों को। तो नेक्स्ट किस्म देखते हैं अपनी कौन सी आती है, नेक्स्ट आती है दोस्तों कौन सी, अर्का अनामिका और अर्का अभय। अर्का अनामिका और अर्का अभय, इन दोनों किस्मों की खास बात क्या है दोस्तों, यह दोनों की दोनों अपनी येलो वेन मोजेक वायरस के प्रति क्या है, प्रतिरोधी है। यह दोनों की दोनों मोजेक वायरस के प्रति क्या है दोस्तों, ये प्रतिरोधी। आपको ये भी अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट किस्म कौन सी आती है दोस्तों, पंजाब पद्मिनी, इसके बारे में देखना थोड़ा सा। पंजाब पद्मिनी, पद्मिनी देखो ये अपनी पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से विकसित है, PAU से विकसित है। ठीक है दोस्तों, और इसकी खास बात क्या है, यह अपनी एप्पल मॉस एस्कुलेंटस, एप्पल मॉस एस्कुलेंटस और अपनी एप्पल मॉस मनी होत, मनी होट। ये देखिए अपनी भिंडी की दो स्पीसीज है, एक तो अपनी कल्टीवेटेड स्पीसीज है एप्पल मॉस एस्कुलेंटस, दूसरी कौन सी है एप्पल मॉस मनी होत। ये इन दोनों का क्या है दोस्तों, क्रॉस है, कौन सी, पंजाब पद्मिनी। इसके बाद अपन लोग आगे देखते हैं, अगली आती है परभनी क्रांति, परभनी क्रांति देखते हैं अगली कौन सी आती है किस्म, परभनी क्रांति। यह भी देखिए यह किस किस का क्रॉस है, एप्पल मॉस एस्कुलेंटस, एप्पल मॉस एस्कुलेंटस क्रॉस, शॉर्ट में लिख रहा हूं अभी, एप्पल मॉस एस्कुलेंटस, एस्कुलेंटस CB उषा सावनी। अब ये देखिए ये भी दो प्रजातियों का अपना संकरण है, एप्पल मॉस एस्कुलेंटस क्रॉस एप्पल मॉस एस्कुलेंटस CV उषा सावनी, इन दोनों का क्या है दोस्तों, यह है क्रॉस है। तो ये आ गई दोस्तों अपनी क्या, भिंडी की प्रमुख है किस्में। तो आपको ये सारी की सारी किस्में अच्छे से भिंडी के अंदर याद रखनी है। इसके अलावा अगर अपन लोग और देखें किस्में कौन कौन सी होती है, तो आप याद रख सकते, एक होती है हिसार उन्नत, कौन सी होती है दोस्तों, हिसार उन्नत, हिसार उन्नत। यह भी किसकी किस्म है दोस्तों, यह भी अपनी भिंडी की किस्म है, आपको अच्छे से याद रखना है। आजाद क्रांति, कौन सी, आजाद क्रांति। वर्षा उपहार, वर्षा उपहार, ये सब की सब किस्में किसकी है दोस्तों, अपनी भिंडी की है। अगर अपन लोग और भी बात करें तो और कौन सी किस्म आएगी अपनी, परकिंस लॉन्ग ग्रीन, कौन सी, परकिंस लॉन्ग ग्रीन। यह भी किसकी किस्म है दोस्तों, यह भी ये भिंडी की किस्म है। तो आपको ये सारी की सारी अपनी किस्में याद रखनी है। और मैं आपको बताना चाहूँगा तो अपनी पूसा सावनी किस्म है ना दोस्तों, कौन सी, पूसा सावनी। ये आपको एक तो मैंने बता दिया येलो वेन मोजेक डिजीज, येलो वेन मोजेक वायरस रोग के प्रति क्या होती है, यह है प्रतिरोधी होती है। दूसरी इसे अपन लोग क्षारीय मृदा में भी लगा सकते हैं, कौन सी मृदा में, जो क्षारीय मृदा होती है ना उसके अंदर भी पूसा सावनी को लगा सकते हैं। प्लस में ये जो पूसा सावनी होती है यह कांटे रहित व रोम रहित, कांटे व रोम रहित किस्म है, रोम रहित किस्म है। तो आपको ये किस्म अच्छे से याद रखनी है। इसका विकास किसने किया था, डॉक्टर हरभजन सिंह ने।
चलिए भी नेक्स्ट बात करते हैं। तो नेक्स्ट आता है दोस्तों आपका क्या, देखिएगा दोस्तों एक बार सही दिखा नहीं होगा आपको, अच्छे से देख लो। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आते हैं दोस्तों इसके रोग व कीट। सबसे पहले बात कर लेते हैं किसकी, रोग की। तो भिंडी में लगने वाला प्रमुख रोग कौन सा होता है दोस्तों, तो प्रमुख रोग होता है पित्त शिरा मोज़ेक रोग। कौन सा, पित्त शिरा मोज़ेक रोग, येलो वेन मोज़ेक डिजीज। कौन सी, येलो वेन मोज़ेक डिजीज। आपको पता है इसका रोग वाहक कौन होता है, आपको याद रखना है इसका रोग वाहक क्या होता है, वेक्टर होती है सफ़ेद मक्खी। रोग वाहक कौन है दोस्तों, सफ़ेद मक्खी। कौन है, सफ़ेद मक्खी। ठीक है दोस्तों, अगर आपको पूछे इसका रोगजनक, तो येलो वेन मोज़ेक वायरस ही क्या होता है, येलो वेन मोज़ेक वायरस ही क्या है, इसका रोगजनक है। अगर आपको पूछे इसके प्रतिरोधी किस्में, तो आपको अच्छे से याद रखना है इसकी प्रतिरोधी किस्म कौन सी होती है दोस्तों, पूसा सावनी। कौन सी होती है, पूसा सावनी, पूसा सावनी। और इसमें क्या खास बात है दोस्तों, तो ये इसकी प्रथम प्रतिरोधी किस्म है, पूसा सावनी येलो वेन मोज़ेक वायरस के प्रथम प्रतिरोधी किस्म है, प्रथम प्रतिरोधी किस्म है, जिसका विकास किसने किया था, डॉक्टर हरभजन सिंह ने। किसने किया था दोस्तों, डॉक्टर हरभजन सिंह ने इसका विकास किया था। तो आपको ये सारी बातें अपनी किसके अंदर, भिंडी के अंदर याद रखनी है। इसके बाद अगर अपन लोग देखें तो आता है इसका कीट। कीट कौन सा है दोस्तों, इसका तनाव फल छेदक, वो भी लिख लो। एक आता है दोस्तों इसका क्या, प्रमुख कीट, कीट है इसका क्या, तनाव फल छेदक। तनाव फल छेदक का साइंटिफिक नेम क्या होता है दोस्तों, एरिस वाइटिला, वाइटिला। आपको अच्छे से याद रखना है। और यहाँ पर ख़त्म होती है दोस्तों क्या, अपनी भिंडी। तो अपन लोग देखते हैं अभी भिंडी में अपन लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है दोस्तों। ये लो भी दोस्तों, मैं आपको जल्दी से क्विक वाला रिवीजन करवाता हूँ, थोड़ा सा देखिएगा सुनिएगा। आपको पूछे बोटनिकल नेम क्या होता है, तो होता है एबल मोस्कस एस्कुलेंटस। फैमिली मालवेसी होती है, कपास और जूट की भी यही फैमिली होती है। इसमें गुणसूत्र संख्या सर्वाधिक होती है 130। उत्पत्ति स्थान होता है अफ्रीका। फ्रूट टाइप होता है कैप्सूल। ये अरंडी और रतन जोत में भी यही फल प्रकार होता है। एडिबल पार्ट होता है दोस्तों इसका क्या, फल। अगर अपन लोग बात करें तो सब्जियों की रानी है, लेडी फिंगर के रूप में इसे जानते हैं। लेडी फिंगर एक किस्म होती है केले की। किसकी होती है दोस्तों, केले की किस्म होती है, और वो द्विगुणित किस्म होती है, और वो बंटीटोप रोग के प्रति रोधी होती है। इसे इंग्लिश में बोलते हैं ओकरा। सामान्य जानकारी में बात करें तो भिंडी को जब अपन लोग काटते हैं, चिपचिपाहट आती है ग्लूकोनिक अम्ल की वजह से। इसमें तत्व पाया जाता है म्यूसिलेज, और भिंडी के बीज को अपन लोग कॉफी पाउडर बनाने के लिए उपयोग में लेते हैं। अगर अपन लोग बात करें भिंडी की जड़ें जो होती हैं, उनको कूट करके अगर अपन लोग गुड़ बनाते समय डालेंगे तो क्या होगा, उसके अंदर जो अशुद्धि होती है वो दूर हो जाएगी। ये डे न्यूट्रल प्लांट है, यानी कि इसमें दीप्तकालिका कैसी होती है, दिवस निष्प्रभावी, यानी कि इसे अपन लोग वर्ष भर इसकी खेती कर सकते हैं। इसमें परागण होता है दोस्तों कैसा, ऑप्टन क्रॉस पोलिनेशन, यानी कि बहुधा पर परागण होता है इसमें। कैल्शियम 66 mg प्रति 100 ग्राम, फाइबर 1.2% पाया जाता है। इसके अलावा देखिए भिंडी पर भारत में सर्वप्रथम रिसर्च किसने की, तो डॉक्टर हरभजन ने की। सर्वाधिक किसने की, तो भी डॉक्टर हरभजन ने की। विकसित कौन सी किस्म की, पूसा सावनी की। कौन सी किस्म है, पूसा सावनी। यह प्रथम येलो वेन मोज़ेक वायरस प्रतिरोधी किस्म थी, और यह कांटे रहित होती है, रोम रहित होती है। क्षारीय मृदाओं में अपन लोग आराम से लगा सकते हैं पूसा सावनी को। किस्म हटा देते हैं यहाँ से, पूसा सावनी को अपन लोग आराम से लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए विश्व में भिंडी उत्पादन में भारत का स्थान है प्रथम। जलवायु है इसकी गर्म जलवायु, तापमान 25 से 30 डिग्री सेल्सियस इसके लिए उपयुक्त रहता है। अब एक बार क्वेश्चन आया भिंडी की बढ़वार के लिए कैसे दिन होने चाहिए, तो लंबे गर्म व नम दिन होने चाहिए। लंबे गर्म व नम दिन भिंडी की बढ़वार के लिए होने चाहिए। नेक्स्ट देखो बच्चों, भिंडी में प्रथम पुष्पन या फिर प्रथम फलन कब होता है,
बुआई के 45 दिन बाद सर्वाधिक भारत में निर्यात करते हैं प्याज का, उसके बाद भिंडी का। और भिंडी का अगर निर्यात करोगे तो बढ़िया साइज माना जाता है 5 से 8 सेंटीमीटर या फिर 5 से 7.5 सेंटीमीटर। सर्वाधिक निर्यात वाली सब्जी कौन सी है? अपनी प्याज, उसके बाद भिंडी। आगे देखिएगा, अपन लोग बात करते हैं इसकी बीज दर की। तो ग्रीष्मकालीन यानी कि खरीफ ऋतु, सॉरी ग्रीष्मकालीन यानी कि जायद ऋतु बुआई होती है फरवरी मार्च में, पौधरोपण दूरी, सॉरी अगर अपन लोग बात करें बीज दर तो 12 से लेकर के 15 किलो प्रति हेक्टेयर 12th RBSE बोर्ड के अकॉर्डिंग है ये, और 18 से 20 रेफरेंस बुक में दी होती है। वर्षाकालीन या खरीफ ऋतु या जून जुलाई में बुआई करते हैं तो 8 से 10 किलो प्रति हेक्टेयर। किस्म देखो, पूसा सावनी, पूसा मखमली और IC 1552 का क्या है यह क्रॉस है, पूसा मखमली शुद्ध वंशक्रम से तैयार की गई है। पूसा A4 जैसिड तना व फल छेदक प्रतिरोधी है, MDU फर्स्ट तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से निकाली गई उत्परिवर्तित किस्म है। इसके अलावा देखिए अर्का अनामिका और अर्का अभे, अनामिका और अभे को डर नहीं है किससे, येलो बेन मोजेक वायरस से। पंजाब पद्मनी पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से निकाली गई है। एबल मोस्कस एस्कुलेंटस और एबल मोस्कस मनीहोट का क्रॉस है। इसके बाद देखिए परबनी क्रांति, यह एबल मोस एस्कुलेंटस का क्रॉस है और किसके साथ में, एबल मोस एस्कुलेंटस CV पूसा सावनी। हिसार उन्नत आजाद क्रांति वर्षा उपहार परकिंस लॉन्ग ग्रीन, ये सारी इसमें भिंडी की है। पूसा सावनी की खास बात बता चुका हूँ आपको। और लास्ट और फाइनल चीज़ क्या थी, इसका प्रमुख रोग होता है येलो वेन मोजेक वायरस रोग इसके अंदर लगता है, और रोगजनक येलो वेन मोजेक वायरस ही क्या होता है उसका रोगजनक होता है, वाहक होती है सफ़ेद मक्खी, प्रथम संकर किस्म पूसा सावनी, और कीट होता है इसका तनाव है फल छेदक है, इसका साइंटिफिक नेम होता है दोस्तों एरिस फाइटिला। टाटा बाय बाय, सी यू सून।